छत पे जब गए तो हमने देखा कि कबूतर के छोटे छोटे अंडे रखे हुए थे। तुम कितने छोटे अंडे होते हैं कबूतर के। काम पे जाने के लिए निकले हुए थे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। ये देखिए सानवाज गाड़ी का सीट रहा है, खींच के ले जाना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों सुबह का टाइम है, काम पे जाने के लिए निकले हुए थे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। ये देखिए सानवाज गाड़ी का सीट रहा है, खींच के ले जाना पड़ रहा है। सानवाज है जमन, पीछे से हल्का हल्का धक्का लगा रहा है। अभी थोड़ी देर हमने खींचा था, अब सानवाज खींच रहा है। देखते हैं पंचर की दुकान कहाँ पर है। इधर तो हमको कहीं दिख नहीं रही है। पिछला वाला जो टायर था वही जो है पंचर हुआ है। काफ़ी पुराना भी हो गया था टायर। कुछ तो क्या है कि टायर पुराना भी हो गया था गाड़ी का। काफ़ी टाइम से हम इसको चला रहे हैं, 7 साल या 6 साल हो रहा है। 6 साल में से 2 बार हमने टायर बदलवाया, इस वजह से साइड से कुछ क्रैक भी हो रहा था। अब इसका नया टायर 1200-1300 का आता है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको चेंज करा दें नया। पुराना टायर ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकना भी हो जाता है, बारिश में काफ़ी प्रॉब्लम कर जाएगा, स्लिप करने का बहुत जो है चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो सामने एक पंचर की दुकान दिख रही है, इससे देखते हैं पूछते हैं। यह सामने रोका है सानवाज ने। अब यहीं पर बनवाएंगे, चलिए फिर बनवा लेते हैं। ये पिछले में दिक्कत हुई है। फाइनली ये भाई बना चुके हैं पंचर और टायर को बांध रहे हैं। अब बांध दें तो फिर हम दुकान के लिए निकले। ये अभी हम लोग पहुंच गए साइट पे। आज बहुत देर भी हो गई, 12 बज गए। ऐसा टायर पंचर हुआ, सामान सब खोल रहा है। अब लाइट वाइट चालू करें, थोड़ी देर आराम करें, 10-5 मिनट फिर काम चालू करें। और हमारा जो काम चल रहा था वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है। हम आपको जो है दिखाते हैं, वाटर यहाँ खड़ा कर दिया गया है। ये देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था, तब वाटरप्रूफ जो है सनमाइका लगाया जा रहा था। इसमें पीछे की प्लाई कुछ नहीं लगी थी और स्ट्रक्चर इसका जो है सही से पूरा कंप्लीट भी नहीं था। ये देखिए अब इसमें जो है डोर लगेंगे, एक डोर इधर रहेगा एक डोर इधर, लेकिन ये डोर खोलने वाला नहीं रहेगा, इसे स्लाइड करने वाला रहेगा। इसे स्लाइड कर देंगे, इसे स्लाइड कर देंगे, क्योंकि रूम में जगह जब कम रहती है। आजकल रूम छोटे बन रहे हैं, पहले की तरह बड़े बड़े रूम तो बन नहीं रहे, ये सब छोटे रूम रहते हैं। यहाँ पे जो है अगर बेड लगा दिया जाए, मान लीजिए सपोज दैट आपने यहाँ पे बेड लगा दिया और यहाँ पे आपने लगवा लिया वाटरप्रूफ, तो ये वाटरप्रूफ का डोर ऐसे खुलेगा नहीं, ऐसे खोलने में आपके बेड में जाके टकरा जाएगा, इसलिए स्लाइडिंग बनता है। सब चैनल लगाते हैं, फिटिंग आती है, उस तरह सब फिट करके इसे स्लाइड कर देंगे। और यहाँ पर ड्रेसर अभी जो है सनमाइका लगाया जा रहा है ड्रेसर में। अब स्टेप बाई स्टेप काम हो रहा है, धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ ही रहा है काम। देखिए सनमाइका कितना अच्छा लगा इसमें, सब आगे की कोर वगैरह सब जो है सब सनमाइके से पेस्ट है, अंदर से बिल्कुल साफ है। फिनिशिंग कितनी अच्छी है इसमें। पेंट का ज़माना चला गया, अंदर पहले पेंट होता था तो अब पेंट कोई नहीं करवाता, अब सब सनमाइके लगा दिए जाते हैं। बार बार का झंझट जो रहता है ख़त्म हो जाता है। अब पेंट में जो है गंदा लगता है, सनमाइके में फिनिशिंग ज़्यादा आती है। तो ठीक है दोस्तों, अब काम जो है शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। काम जो है शाम तक होगा, हो सकता है कि जल्दी छुट्टी कर लें, क्योंकि इतनी देर में आए तो फुल टाइम काम नहीं होगा, हाफ टाइम काम होगा और जाएंगे घर। तो दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम ऊपर छत पे जब गए तो हमने देखा कि कबूतर के छोटे छोटे अंडे रखे हुए थे। तुम कितने छोटे अंडे होते हैं कबूतर के। ऊपर क्या है, घोंसला बना हुआ है और बहुत सी जगह कबूतर लोग घोंसला बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है, देखिए वो सब कबूतर।
इधर देखिए घोंसला ये बना रहा है कबूतर, ये छोटा घोंसला बन रहा है। क्या है कि जिनका ये मकान है वो काफ़ी समय से यहाँ पर आए नहीं, कहीं गए हुए हैं, तो इनके घर में कई जगह पर हमने देखा छोटे छोटे घोंसले बनाए हुए हैं। लेकिन वहाँ पर कबूतर जो है ऐसे छोटे छोटे घोंसले सब बनाए हुए हैं। और दोस्तों ये अंडा जो है खाया भी जाता है, इसको हमने बहुत पहले करीब 20 साल हो गए, हमने बहुत छोटे थे जब हम, तो 20 साल पहले ये अंडा खा चुके हैं। और अभी भी जो है हमने जो है 2 अंडे उठा लिए हैं, मन तो कर रहा है खाने का, तो हम सोच रहे हैं इसको जो है फ्राई करें। देखिए कितने छोटे अंडे होते हैं, लेकिन इनको छोटा अंडा देख के ये बस समझिए कि ये जो अंडे मुर्गी के अंडे की तरह होते हैं, ये अंडे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। पहले हम जब छोटे थे तो खाते थे, लेकिन हमको जो है बहुत मना किया गया कि जो है बचपन में जो है इतनी गर्म चीज़ नहीं खाया जाता। उसके बाद हमने खाना बंद कर दिया, कम से कम 20 साल हमने नहीं खाया। लेकिन अभी 20 साल के बाद हमको ये अंडा जो दिखाई दिया तो आज मन करने लगा खाने का, उसको घर ले जाकर फ्राई करेंगे। और अभी फ़ोन आया अम्मा का, मूड था हमारा शाम पे सब्जी बनाते हैं और या तो जो है मटन बनाते हैं, इनमें कुछ बनाते, लेकिन अभी फ़ोन आया तो मना करने लगे, कहने लगे कि जो है अभी बहुत ज़्यादा फैल जाएगा घर पर, तो घर पर अम्मा ही कुछ बना के पहले से तैयार करके रखेंगे। तो ये अंडे को हम फ्राई करेंगे, घर जाकर अंडे को फ्राई करेंगे। देखिए घोंसला ये वाला देखिए कैसे जो है तैयार हो रहा है। इसे देखिए अभी एक ऐसे जो है घास फूस होता है ना, तो उसको ला के यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। और ये फैन का जो जगह है उस पर भी जो है बहुत सारे घास फूस धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं कबूतर लोग। कबूतर चिड़िया सब जो है घोंसला बना लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो दोस्तों बस घर जाने का जो है टाइम हो रहा है, हम लोग घर के लिए निकलेंगे। अब इसको दोस्तों हम जो है इसमें रख के लेके जाएंगे, ये कागज है ना, मैं इसलिए ले जाते टूट जाएगा और हल्का से यहाँ से चटक भी गया है रखने में। इसको हम क्या करेंगे, ये सन मार्केट में निकला था कागज, इसमें जो है सेफ रहेगा सुरक्षित रहेगा। इसको हम इस तरह से ये हमने बना लिया, इसको इसमें रख लेंगे। इसको ऐसे रखने के बाद और बड़ा कागज ले, नहीं इतना बड़ा कागज होगा, तो इसको ऐसे रखेंगे हम लपेट के, टेप से जो है इसको हम लपेट देंगे, क्योंकि अभी जो है 7:30 बज रहा है, घर जाने का टाइम भी हो रहा है, कुछ काम बचा रह गया था तो थोड़ा टाइम लग गया उसको पूरा करने में। इसको एक राउंड इस तरह और एक राउंड इस तरह से हम लपेटेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, घर जाके इसको फिर हम फ्राई करते हैं। अब फ्राई करके हम आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया फ्राई होता है। इसको हम ऊपर वाली जेब में रख ले रहे हैं। दोस्तों अभी घर पे आ चुके हैं और इसको खोलते हैं, इसमें से देखते हैं कि सुरक्षित है या नहीं अंडा। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल फूटा भी नहीं। अब ये देखिए इसमें हमने ली है थोड़ी प्याज, बारीक बारीक प्याज हमने इसमें काट लिया है, इसी में इसको खोल लेंगे, इसको फ्राई करेंगे हम। खोलने में काफ़ी सख्त है ये, इस तरह से तो चलिए अब इसको हम जो है फ्राई करते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है नमक डाल लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि छोटे छोटे अंडे हैं ये, ज़्यादा बड़े तो हैं नहीं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हल्का चला के देखिए 2 अंडे निकालने में बिल्कुल इतना आया, जो है फ्राई करने जा रहा है। देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो रहा है। देखिए कितना छोटा अंडा जो है, मिनी अंडा भी बोल सकते हैं इसको, स्मॉल मिनी, अच्छे से फ्राई हो गया। इसी प्लेट में इसको निकाल लेते हैं छोटी प्लेट में और खा के टेस्ट करते हैं। खाने में बिल्कुल मुर्गी जैसा रहता है, जैसे मुर्गी का अंडा। देखिए कितना बढ़िया जो है फ्राई हुआ है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसको हम खाते हैं।
बहुत ही टेस्टी है, बस जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है फिर जो है स्वाद में कुछ फ़र्क हो ऐसा नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि ये कबूतर का अंडा है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।